करेक्ट सेटिंग एंड ऑल ये सब पहले बताया जाएगा देन सेटिंग कहाँ पे हुई है की जो की हमें चैप्टर में वर्ड दिखने वाले हैं वो सारी चीजें हमें इसमें देखेंगे लो uh, हम लोग सबसे पहले हम लोग इसको पूरा का पूरा कवर करेंगे एंड देन इसकी चैप्टर की, की लर्निंग क्या है देन कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसी की और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पूरा करके फिनिश कर देंगे जिससे की इसमें हमारे कोई भी चीज नहीं रह जाएगी पूरा चैप्टर हमारा इजिली फिनिश हो जाएगा

एंटार्टिका होगा इंडिया में कहाँ पे है कमेंट सेक्शन में कि में so sorry, India, में बताइएगा बताइएगा ग्लोब ग्लोब सॉरी इंडिया आप लोग कि एंटार्टिका जो है है वो कहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और द साउथ जल्दी से आप लोग बताइए uh, पार्ट ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थ सदर

Coldest, सबसे सबसे और हमेशा हवा चलती है उसी का ही नाम क्या है एंड आर्टिका बगेट जीरो ऑफ द इक्वेटर हमें डायरेक्शन दी गई है मद्रास मद्रास से इसकी जर्नी जो की है वो शुरू हुई है

रोप्लेन एंड शिप मतलब उसने सौ घंटों से भी ज्यादा दे चुकी है ओवर लिखा हुआ है मतलब सौ घंटे से भी ज्यादा की जर्नी ट्रैवल कर ली थी जिसमें कि उसने तीन चीजों से ट्रैवल करा था ये तीन चीजें हमें याद रखनी है कार एरोप्लेन और शिप तीन चीजों की जर्नी पार करने के बाद वो कहा पहुंच चुकी थी एंटार्टिका कॉन्टिनेंट पे सो मैं फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्टिका एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव मीनस बहुत ही ज्यादा वाइड वाइट लैंडस्केप बिल्कुल लैंडस्केप हमने देखा हुआ है ये माउंटेन्स होते हैं उसमें सन दिखाया मतलब एक पोर्ट्रेट टाइप जो होता है वो पूरा का पूरा व्हाइट था व्हाइट से क्या मतलब है कि वो स्नो से ढका हुआ था व्हाइट हेयर रेफर्स टू <laughs> यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं व्हाइट जस्ट अ सेकेंड यस वाइट वाइट रेफर्स टू द स्नो हेयर

कि कभी मीन्स उस जगह को देख के उसको ऐसा लग रहा था कि कभी मीन्स हम लोगों को SSC में पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले जो सारी भी चीजें थी वो सब एक, एक लौता लैंडमार्क था और फिर वो टूट गया सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स गए जैसे कि इंडिया ईस्टिक कॉन्टिनेंट में लाया करता है तो इसी तरीके से अंटार्टिका जो की था वो भी कॉन्टिनेंट था तो उसे हैरानी हो रही थी कि कभी ये दोनों चीजें एक ही लैंडमार्क हुआ करती थी और आज इंडिया कितने अलग तरीके से जो की है अपने आपका जो वेदर है या अपने एनवायरमेंट जो कि अंटार्टिका में बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें हैं

एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट सदन सुपर कॉन्टिनेंट बताया गया सुपर कॉन्टिनेंट मतलब जो कि कॉन्टिनेंट में भी सबसे बड़ा होता है गोंडवाना जिसका नाम है वो एग्जिस्ट करता था द प्रेजेंट डे नेक्स्ट आ जाते हैं हम थाउंड एंटार्टिका अभिव गु एग्जिस्ट करता था जो की कहा था प्रेजेंट डे एंटार्टिका जहां पे आज हम देख पा रहे हैं बनीपति हमारा उस टाइम पे

मिलियन जब डायनासोर्स वाइप आउट हो गए और जब आया द गोल्डन एरा ऑफ क्या हुआ? तब जो लैंडमार्क था उन्होंने अलग अलग तरीके से सब चीजें जो की थी वो डेवलप हुई इस वजह से जो की लैंडमार्क था वो कंट्रीज में हम कह सकते हैं वो सेपरेट हो गया और आज की हमें जिस तरीके से ग्लोब दिखाई देता है जिसमें कि हर कंट्री कुछ अलग अलग तरीके से हमें दिख रही है अलग अलग हमें कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं उस तरीके से वो फ्रेम हो गया जैसे कि हम लोग आज जानते हैं आज जब हम लोग एंटार्टिका विजिट कर रहे हैं हम लोग उस जर्नी पे जा रहे हैं सट इज गोइंग टू और बी आर पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री क्योंकि हमें बताया गया है कि जब वो कौंडवाना जो की था वो एक पूरा लैंडवास था वो आज अः वो उसी जगह पे था जहाँ पे आज हमें एंटार्टिका देखने को मिलता है तो हमें अपनी हिस्ट्री जो की है वहां से पता चल सकती है

वहीं अगर साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट कर गया तो ज्वाइन द नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करने के लिए ऑफ़ द टू क्रिएट अ अजीब या फिर हम पे कितनी ड्रास्टिक कंडीशन जो की है ऐसे अराइज हो सकते अगर हम सोचने को देखें तो आगे रीट करते हैं वर्शिपिंग अब आप सबको पता है कि जो सदन पार्ट है इंडिया जो का जो साउथ का पार्ट है नीचे वाला, इंडिया वो सूर्य देवता की पूजा करता है जैसे कि हमें उड़ीसा में सन टैम्पल भी देखने को मिल जाता है तो वो भी वहीं से ही थी जो कि इस चैप्टर की जो पॉइंट है वो वो भी वही सही थे सो टू वीक्स इन अ प्लेस वेर नाइनटीट ऑफ द दर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड चिलिंग प्रॉस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर द सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशंस इट्स लाइक वॉकिंग इन टूअर जॉय पिंक बॉल बात का मीनिंग सिंपली ये है कि सन वर्शपिंग जो कंट्री इंडिया को बोला गया है इसका मतलब है कि हम सबको पता है कि जो सदन पार्ट है इंडिया का वहाँ पे हमेशा वार्म टेम्परेचर रहता है बहुत ही धूप रहती है हमेशा बहुत गर्मी रहती है, है और वो एकदम से एक वैसी जगह चली गई जहाँ पे की चले गए जहाँ पे की हमेशा नाइनटी परसेंट ऑफ द टोटल आइस वॉर्म सांस अंटार्टिका को अंटार्टिका कॉन्टिनें को, को एक ऐसी जगह बताया जाता है जहाँ पे अर्थ की नाइनटी परसेंट जो की आइस है वो एक लौटी जगह पे स्टोर्ड है

The visual scale ranges from the the from microscopic to mighty. and, the mites waves and icebergs as a as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. Means देखिए कितनी हैरानी की बात है कि एक ही जगह पे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें देखने को मिल रही हैं। चाहे वो ब्लू बेवस हो गई एक ही जगह पे सारी चीजें आइसबर्ग्स हो गए जो कि कंट्रीज जितने भी बड़े हो सकते हैं इतने बड़े बड़े icebergs

So, देखिये यहाँ पे बहुत सारे हमारे सबसे पहले वर्ड्स आ गए हैं जिनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए सबसे पहले सूर्य सरल जिसको हम लोग रीड कर सकते हैं इसका मीनिंग होता है, वाले का है मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ नंबर वन देन हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो क्या है हॉस्टल जिसका मीनिंग होता है रिलेटिंग टू ददनफेयर ये बनाया मैंने आपको बता दिया मतलब है एवरीवेयर आई डोंक इसको लिखने की जरूरत है आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइड बाई साइड देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है एवरेल की मतलब स्नो स्लाइड बर्फ का जो इस तरीके से माउंटेन से स्लाइड टाइप की बन जाती है वहीं यहाँ पे बोला गया है स्नो स्लाइड कार्विंग का मतलब क्या होता है स्प्लिट आईशीन स्प्लेट और शेड होके जो आ जाती है आई शीट बन जाती है वो यहाँ पे बताया गया है प्लेस मतलब उस जगह को बनाती ही बर्फ है।, है कि वहां पे जो जो सनलाइट है वो इस तरीके से चाह रही है कि कभी वो दा होने ही नहीं दे रही है, there, दे हमेशा जो है वो गिरी ही रहती है और इंटरप्ट मतलब हो रही है इंटरप्ट बाय द फॉलिंग

सिर्फ बारह हजार साल हुए हैं जो कि अगर हम पूरी जियोलॉजिकल फ्लॉग को देखें मतलब पूरी हिस्ट्री को देखें तो उसमें सिर्फ कुछ सेकेंड से बराबर है और सिर्फ इतने से ही टाइम इन दैट शॉर्ट ऑफ हम टाइम हमने मैनेज कर लिया है जो अर्थ के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करना उनकी जो भी चीजें हैं उसको भी एकदम बेकार कर देना एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना एक दूसरे से घृणा करना मीन हमने इतने कम टाइम में जो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें इतने कम टाइम में हमने अर्थ को अपना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है हमने अपना डॉमिनेंस जमा दिया है नेचर के ऊपर से हम लोग नेचर के ऊपर अपने चलाते जा रहे हैं। आ, ऐसा तो है नहीं, से पहले, नहीं थी सिंह हुई है, पहले भी ही है। आ, तो ये इन इतना ज्यादा तबाही नहीं मचाई थीज दालों में मचा दी है जो की जियोलॉजिकल टाइम्स के अकॉर्डिंग सेकेंड्स के बराबर है बारह हजार साल आई होप इतना समझ में आया होगा

ये उसकी वजह से जो हमारा एटमोसफेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइडो चादर सी बनकी रह गई है स्लोली, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो की है वो जो की ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज करती है कैसे करती है जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर जो की है वो बढ़ा रही है आगे प्रोसीड करते हैं क्लाइमेट चेंज आल द ग्लोबल वार्मिंग आर द मोस्ट शॉर्टलीस्ट एंड वार्मिंग डिबेट्स ऑफ आर टाइम सबको पता है करंट टाइम में किस तरीके से जो क्लाइमेटिक चेंजेस uh, जो आ रहे हैं या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती जा रही है वो कितने बड़े इश्यूज आज के टाइम में हमारे पास रह गए हैं वे द वेस्ट एंटार्टिकाई शीट नाइट एंटाइली हम सबको पता वेस्ट है वेस्ट एंटार्टिकीट जो की हाई शीट जो की वो बिगड़नी शुरू हो चुकी है गर्ल्स ट्रीम ओशन जो की वो डिस्टर्ब होने होने शुरू हो गए उसको करंट चुके हैं और जो किस तरीके से जो वर्ल्ड है सारे क्वेश्चन के आंसर अभी भी नहीं मिले हैं मे बी और मे बी नॉट जो की है पूरी की पूरी डिबेट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए नहीं क्योंकि आज तक उस परेशन आज तक नहीं आई है वॉन्ट रहेगा बट देर रिमेस रिलेटेड का मतलब इन दॉ पोजिशन एक ही पोजिशन में चलते रहना है इन दिस दिस

क्यों बहुत से ज्यादा एंटार्टिका एक को ऐसी प्लेस जब कि हमने शुरू में पढ़ा था एक लाइन आई थी पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड एंटार्टिका इज द प्लेट हो गई वही लाइन यहाँ पे क्यों करी गई है क्योंकि इसकी जो आइस वही पर ही कहीं ना कहीं पुराने टाइम के जो के जो रिकॉर्ड्स है वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं उसके आइस के अंदर तो हम उसे पता लगा सकते हैं अबाउट द पास्ट क्या पास में हुआ था प्रेजेंट की कंडीशन में पता ही है और पास से प्रेजेंट में किस तरीके से चेंज है वो हम लोग फिगर आउट करके फ्यूचर के बारे में पता लगा सकते हैं नेक्स्ट फेज पे हम लोग आ चुके हैं जो जिस प्रोग्राम पर वो निकली थी प्रोग्राम का नाम है हमें स्टार्टिंग में बताया गया था आपको याद होता तो द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग ऑन द द शो शो स्काई, स्काई एग्जैक्टली एग्जैक्टली दिस बाय टिकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मींस वो दोस्टली इंस्पायर करते हैं उनको जो दुनिया है उनके अंत मुम के कोनोमेंट्स में लेके जाते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीजॉर्चुनिटीज एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं व्हिच देम फॉर फॉर अ अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर लाइन उनको पता चल सके कि किस तरीके से जो प्लान है वो हो रहा है या किस हद तक जो कि प्लान के रिसोर्सेज यूटिलाइज हो चुके हैं या किस तरीके से पास प्रेजेंट फ्यूचर प्लान का डिसाइड होता है इस तरीके की नॉलेज उनको दी जा रही है ताकि वो तो उसके लिए जब वो बड़े हों तो वो अपने प्लानिट को बचाने की तरफ काम कर सकें नेक्स्ट बीन एन ऑपरेशन फॉर सिक्स नाउ छह साल हो चुके हैं इस ऑपरेशन को एंडेड बाय ये नाम हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हमें करेक्टर्स के बारे में बताया गया था के बारे में बात चल रही थी, अब एक कैरेक्टर आया है जो कि कौन है, जो हैं है के हैं. हो कार्टिंग, उनको कार्ट नहीं होती जैसे कार्ट लेके लोग जाते हैं तो वही उससे मीनिंग याद रखना है ये पहले कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि शायद ड्राइवर रहे सेलिब्रिटीज के या फिर कुछ और इनकी जॉब होगी कार्ट करने की मीन पहुंचाने की ट्रैवल कराने की कैरी करने की सेलिब्रिटीज को

Uh, और अपने आस पास की चीजों को अब्जॉर्ब करें लर्न करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो जब वो तो बड़े हो जाए तो उसपेट काम करें उन्होंने देख लिया की हाँ ये सारी दिक्कतें हैं अब वो अभी जब उनकी माइंड में वाली चीज आ जाएगी तो बड़े होकर गएकोर्स उस पर काम भी करेंगे so जो इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने का रीजन है वो क्या दिया गया है

गुलाब सिंह और खुद एक सारी चीजों को पिघलते हुए या फिर गुलाब्स होते हुए तब आपको सच में पता चलता है कि नहीं ये तो सच में एक बहुत बड़ा थ्रेट है आने वाले फ्यूचर के लिए थ्रेट रियल या आज तो तक जो हम सिर्फ टीवी में जो हम बातें सुन रहे हैं या समझ रहे हैं वो ऐसी ही बातें नहीं है ये सब सच है ना वहाँ जाके हमें खुद ये सारी चीजें देखने को मिलती है देन बिकॉज ऑफ हर सिम्पल इकोसिस्टम लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटल चेंट कैन बिट बी हमने हाँ अभी तक देखा है कि जो एंटार्टिका है उसकी उससे बायोडाइवर्सिटी बहुत है नहीं की वजह से जब इसमें चेंजेस आएंगे इसके इन्वयमेंट में चेंजेस आएंगे तो उसका इफेक्ट पूरे हमें वर्ल्ड पे देखने को मिलने वाला है टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटो प्लान ऑफ द सीट एनचिन तो होती है, हो है जो कि पूरी सूचन चलाते कहा की सदन औष की ये सिंगल सेल होती है और यूज करती है सूरज की एनर्जी ताकि ये कार्बन को ऐसे मिले जो कार्बन के यूज करके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना देते हैं क्या लिखा गया है

जो की है बड़ी बड़ी चीजों में बदलाव आ सकता है और अल्टीमेटली बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनको भी फिर इफेक्ट आएगा इसी तरीके से बोल रहे हैं अगर एंटार्टिका जो की है उसकी लिमिटेड छोटी सी उसकी बात कर सकती है लेकिन अब उसमें चेंज आया तो उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट आ सकता है इस वजह से हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी तरफ से हमें एफर्ट्स करने चाहिए ताकि हमारी वजह से कोई भी चीज डिप्लॉड ना हो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ आता है वॉक ऑन द ओशन ओशनिका एक्सपीरियंस ऑफ सच एपिंग

ओशन तो so, क्या कह रहे हैं मतलब नहीं हो रहे हैं उनको क्या बोल दिया गया बर्फ से ढके हुएंग्रीदिंग सोल्ट वाटर अब सारे लोग कर चुके थे बर्फ पे और सारी प्रोटेक्टिव चीजें पहन ली थी Uh, जो भी प्रोटेक्शन के लिए होता है ताकि uh, वो लोग डुमे या कोई भी इमरजेंसी में वो काम आ सके बाद उन्होंने देखा कि जो नीचे ओशन था वो पूरा बैट था मतलब कुछ नहीं दिख रहा था और उसी ओशन के नीचे क्या क्या थे मॉडल था मरीन लाइफ थी और उसके ऊपर की चादर ढकी हुई थी इन देरी फेरी क्राप सी एंडिंग पेंसिल्स फ्लोर्स मच लाइक द शेड ऑफ बानियन ट्री इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अशन एवरी थिंग डीट कनेक्ट क्या कहना चाह रहे हैं अब वो कह रही है उसने पूरी दूरी पर देखा कि जो तो पे पेटर सीड्स थी वो बाहर खेल रही थी के आगे जिस तरीके से कि हम अपने हाँ पे हैं, हमारे यहाँ पे जो डॉग्स हैं वो बैनियन ट्री के नीचे आराम करते स्ट्रेच करते अपने आप को हाँ इस वजह से से देखे जो वो बहुत सारे दिए गएंग डी कनेक्ट मीस नेचर में कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे हमेशा रिलेटेड हो जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ डॉग्स है उस तरीके से एंटार्टिका में यहाँ पे सी एस एंडर सीड्स आगे पढ़ते हैं

अब यहाँ पे हमें बताया गया था कि का पूरा सुपर कॉन्टिनें था जहाँ पे की ऐसी जो की था नहीं था। एक ही लैंडमार्क था आज वही जो प्लेस है वो एंटार्टिका के रूप में बन चुकी है तो कह रहे हैं क्या होगा एंटार्टिका जो अर्थ आई प्लेस है वहां पे एक लौटी जगह पे है तो क्या होगा अगर वो दोबारा से गर्म प्लेस बन जाती है

उनके मन में किस तरीके से आइडियलिज्म है कि वो अपने वर्ल्ड को जगह बचाना चाहते हैं और यही कह रहे हैं कि मिलियन इयर्स में तो कुछ भी, हो सकता है, no, कुछ भी हो सकता है एक एक दिन एक नयाट कर सकता है so इस से वो इसी तार है उसका हो जाता है, कि फिनिश, दिया है अब जल्दी से इसको जो मेन चीज थी वो हम खत्म कर चुके हैं अब इसकी हम लोग और देख हैं। हमें से क्या सीखने को मिलती है आप लोग पहले सबसे पहले कमेंट बताइए आप क्या सीखते हैं इस चैप्टर से ये तो हमारे बोलने वाली चीजें हो गई जो, जो, जो कि चैप्टर में हमेंट बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए हम लोग अंडरस्टैंड करने हमारे हमें सारी चीजें इस दुनिया में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है The of of human beings and the reckless exploitation of resources which spell doom on mankind. Means खराब होगी जब वो लोग resources को बि देखे एक्सपोर्ट करती जा रहे एंटार्टिकाज कॉमिकट Antarctica हमें साफ बताता है कि आखिर आपके planet के साथ होने क्या वाला है पास में क्या हुआ था आज क्या हो रहा है कल क्या होगा इस सारी बातें के आंसर हम Antarctica दे रहा है

एमसी की ओ पे आ गए हम लोग लो लो। ये जो हमारा पैराग्राफ है दिया गया है आप लोगों को खुद रीड करना है पूरे यहाँ से लेके आई डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछूंगा हाँ क्वेश्चन आप लोग

क्या जो सेलिब्रिटीज के ऊपर लाइन आई थी वो इस चैप्टर से क्या बताते हैं देखिए बिल्कुल ही अलग बात एक अलग तरीके का क्वेश्चन आ जाता है जो कि हमें चैप्टर में बताया भी नहीं गया है तो आपको खुद वाली बात सोचनी है क्या वो ओवर अचीवर बन जाते हैं क्या वो जेलस होते हैं क्या वो मिजरी होते हैं या फिर या फिर वो एम्पासिव होते हैं तो थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर को पढ़ के समझ में आ रही है कि आखिर जो जो ग्रीन जी जो थे उन्होंने क्यों सेलिब्रिटीज को कैरी करना छोड़ दिया क्योंकि वो मिजीडी और एम्पासिव होते हैं

अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर का एक लाता क्वेश्चन जो कि हमें सारी चीजें क्लियर कर देगा ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो इसमें मैं अपनी में यूज करता हूँ लास्ट में, में ताकि आप लोगों की पूरे चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग ट्राई करेंगे क्यों बताया इस चैप्टर को जर्नी टू एंड ऑफ दर्थ दर्नीफाइड बाई द राइटर राइटर का नाम आप लोग देंगे किशानी

में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है नियर फ्यूचर एंटार्टिका वुड भी रिस्पांसिफ इट इज नॉट बॉट एंड कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं करा गया तो फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है कि एंटार्टिका ही रिस्पॉन्सिबल हो जाए फॉर दुई नेशन ऑफ द अर्थ लाइफ मीस में लाइफ को डिस्ट्रॉय खुद ही कर देगा एन दिस के द एंड ऑफ द अर्थ वुड बी ब्रॉड बैटार्टिका थ्रू एक्टली बायमन बीग्स्यूमन बींगस रिस्पॉन्सिबल हो खुद अपनी एंड के लिए बाय द एंटार्टिका तो यही जो की था चैप्टर का मेन पोर्टर पे था आपको सब जानने का आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ये रिटेल है एंड होती है पूरा चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है एनसी आई जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसके साथ आप हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय